अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। ईद की तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, 29 रोज़ा है और हो सकता है कल ईद हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नहीं तो 30 रोज़े पूरे होंगे तो परसों ईद होगी। और मैं बहुत जल्दी में जो है दो कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, मुझे जाना है अभी ऑफिस, आज लास्ट वर्क वर्किंग डे है। तो कमेंट है सैयदा यास्मीन शाह का, और उन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी कीमो स्टार्ट होने वाली है। और सेकेंड उन्होंने ये क्या कहा है कि क्या वाकई बहुत ज़्यादा मुंह पक जाता है और छाले हो जाते हैं। तो मेरी सिस्टर ये कुछ मिथ्स होती हैं जो कि मुंह स्टार्ट होने से पहले हमें डराया जाता है, बताया जाता है, और बहुत सारे हमारे दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं। खुद मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ कि जब मुझे कहा गया कि मुंह लगेगी तो आपका मुंह पक जाएगा, छाले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत कुछ होता है, जितना मैंने सुना था उससे भी बढ़कर होता है। लेकिन यहाँ पर आपने स्ट्रांग बनना है, ब्रेव बनना है, और आपने हर चीज़ को पहले से ही एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, कि आप हर चीज़ के लिए रेडी रहेंगी। कीमो का मतलब ये होता है कि एक बम का गोला आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा, जो आपको जिस तरह बम कहीं गिरता है तो आसपास सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है, इसी तरह हमारी बॉडी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि कीमो का मकसद ये होता है कि हमारी बॉडी में जो सिस्ट होती है, जिसमें कैंसर है, उसको जो है वो जला दे, ख़त्म कर दे। तो कीमो का जो फर्स्ट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी बॉडी से सारा ब्लड चला जाता है, आपकी बॉडी से सारा पानी चला जाता है। अब जब बॉडी से ब्लड और पानी चला जाता है तो आपको वीकनेस भी होती है, आपका मुंह भी मूड ख़राब होता है, आपका जो है मुंह कड़वा हो जाता है, आपका टेस्ट चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये है कि डरना नहीं है। मेरी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बता दी थी। जब वो बता रहे थे तो मेरे नॉन स्टॉप मेरी आंखों से आंसू चल रहे थे। मुझे उनकी एक एक चीज़ जो है वो यहाँ पर लग रही थी कि उन्होंने कहा नेल्स भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पहले ही कीमो में आपके बाल भी चले जाएंगे, और जो है और भी बहुत सारी चीज़ें। और जिस तरह आपको डर है, इसी तरह मुझे भी डर था। मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट के अलावा बहुत सारी लोगों ने मुझे बताया ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन मसला ये है कि हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, हर किसी का इम्यून सिस्टम डिफरेंट होता है, और वे हर एक की विल पावर डिफरेंट होती है। तो अगर आप मेरी बात करें तो आप यकीन करें, 10 मंथ्स का मेरा प्रोसीजर था, जिसमें 7 मंथ्स मेरी कीमो चली थी, और इसके अलावा इन 7 मंथ्स में मेरे पास कोई भी घर पे नहीं था मेरी सपोर्ट के लिए, इमोशनली मोरली अकेले मैंने घर मैनेज किया, तीनों बच्चे, उनका स्कूल, उनका ट्यूशन, सिपारा। 3 दिन हॉस्पिटल जाती थी, 3 दिन ऑफिस जाती थी, एक दिन मेरा ब्लड टेस्ट होता था, एक दिन मेरी कीमो मेडिसिन लिखवाती थी, और एक दिन कीमो लगता था, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले जाती थी, अकेले आती थी। वरना ये होता है कि कीमो का पेशेंट ऐसा होता है कि वो बिस्तर पे और बिस्तर से वॉशरूम, वॉशरूम से बिस्तर, बस इतनी उसकी हिम्मत होती है और कुछ नहीं। और खाना पीना इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि मुंह का मुंह कड़वा रहता है बहुत ज़्यादा कीमो की वजह से, और टेस्ट ख़त्म हो जाता है। आप रोटी भी खाओगे तो ऐसे लगेगा आप टिशू खा रहे हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होनी है, होंगी आपके साथ, लेकिन आपने अपने माइंड को ये मैसेज देना है कि आप स्ट्रांग हैं, और आपने इन सारी चीज़ों से गुजर के आपने सर्जरी तक पहुंचना है। और अगर आपकी पहले सर्जरी हो गई है फिर कीमो हो रही है तब भी ठीक है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स के साथ ऐसे होता है। अच्छा, हमें ये भी नहीं पता कि आपको कौन सा कैंसर है और स्टेज कौन सा है। तो जैसे मेरी पहले कीमो हुई थी फिर सर्जरी हुई थी, बहुत सारे लोगों की पहले सर्जरी होती है फिर कीमो होती है। तो मेन जो चीज़ है, मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो आपको रिप्लाई करने का मकसद है, वो ये है कि आपने मोटिवेट रहना है, आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने डर डर जो है लोगों का जो डर है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं डरना है, और हिम्मत करनी है, और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला तूने मुझे ये आजमाइश दी है, अब मुझे इस काबिल बना कि मैं इस आजमाइश पे पूरी उतरूं और मैं अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा के बिल्कुल ठीक हो जाऊं। और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मेरी मिसाल आपके सामने है, और यहाँ पर बैठ के मैं आपसे बात करी, उसका मतलब ये है कि ये सारे खौफ मुझे भी थे, ये सारे डर मुझे भी थे, लेकिन मैंने हिम्मत की और मैं एक दिन भी जो है पड़ी नहीं बिस्तर पर कि मैं पेशेंट हूँ, मेरी कीमो लगी है तो आज मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैं खड़े होती थी, चूल्हा जलाती थी, एक पराठा बनाती थी, उसके बाद जाकर बैठ जाती थी, मुझे खड़ा नहीं हो जाता था, लेकिन फिर भी मैं बनाती थी। मैं बच्चों को, मेरे बच्चों की प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही उस साल, क्योंकि उनकी कोई एक सिंगल छुट्टी मैंने नहीं करवाई कि मैं बीमार हूँ, आज मैं नहीं उठ पा रही, मैं नाश्ता नहीं बना सकती, आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। इसी तरह जिस तरह मेरी नॉर्मल लाइफ चल रही थी कीमो से पहले, कैंसर डायग्नोज। तो जनाब बात हो
रही थी कीमो से पहले के जो डर होते हैं, खौफ होते हैं, या जो हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, या लोग हमें कहते हैं, बताते हैं, या हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट हमें बताते हैं, उस हवाले से, क्योंकि सुबह मेरे मोबाइल में कोई चार्जिंग का इशू था, कोई प्रॉब्लम थी, तो मेरी एक बात कम्प्लीट नहीं हो पाई थी। तो सिस्टर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बस आप स्ट्रॉन्ग रहें और मेंटली तौर पर तैयार रहें कि उस कीमो के जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उनको आपने एक्सेप्ट करना है, ये सोच कर कि आप ठीक हो जाएंगी। और बाकी जो भी चीज़ें, नेल्स डैमेज होते हैं, बाल चले जाते हैं, मुंह में छाले होते हैं, ये सारी चीज़ें टेम्प्ररी हैं, वक्ती हैं और सेट हो जाएगा। हाँ, रही बात जो मेन क्वेश्चन था आपका मुंह में छाले होने का या मुंह पकने का, तो उसमें ये है कि फर्स्ट सेकंड डोज पे मेरे कुछ नहीं हुआ था, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन ये है कि मेरा मुंह में छाले नहीं हुए थे। जब थर्ड डोज लगा था मुझे तो उसमें मेरे मुँह पक गया था, छाले हो गए थे। और खाना पीना तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, कम बस मैं ओट्स लेती थी नाश्ते में और जूस का एक गिलास लेती थी, नहीं खाया जाता था। लेकिन ये कि आप खाना भी होता है, क्योंकि आपके फिर नेक्स्ट डोज से पहले आपका CBC ठीक आना चाहिए, आपका जो है ब्लड रिपोर्ट वाइट ब्लड सेल सही आने चाहिए, तो ना चाहते हुए भी आपको अच्छी डाइट रखनी पड़ती है, खाना पड़ता है। तो बस ये है कि विल पावर आपकी होनी चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और बस ये सोचें कि अल्लाह ने आपको चुना है इस आजमाइश के लिए और आपने इस आजमाइश पर पूरा उतरना है, ठीक है। तो बस और कोई अभी कीमो आपकी स्टार्ट होगी, बहुत सारी आपके साथ चीज़ें होंगी अभी, और उनकी क्लियरिटी के लिए या कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप मुझसे ज़रूर सवाल कीजिएगा। मेरी किसी भी वीडियो पे आप क्वेश्चन करेंगी तो मैं आपका रिप्लाई दूँगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।